चलो समस्या क्या है, राजनीति की बात अलग, समस्या क्या है, बहुत बड़ा अत्याचार आदिवासियों के साथ सोनभद्र में जो हुआ है, बहुत लोग मारे गए हैं कि निर्मम हत्या की गई, क्यों की गई, अपना अधिकार मांग रहे, जिस जमीन को वो पुश्तों से जो थे उस जमीन का कब्जा किया गया, कब्जा करने वाले वहाँ आ गए, जब गाँव वालों ने कुछ कहा उनको रोकने की कोशिश की तो एकदम से उनकी हत्या करनी शुरू की, 10 लोगों की हत्या की, 11 लोगों की हत्या की, उनमें से शायद 3 महिलाएं भी हैं। मैं अभी अस्पताल से आई, वहाँ 6 लोग, 1 17 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, उसको यहाँ पे गोली लगी है, उसकी माँ अगले पलंग पे लेटी है, उनको भी गोली लगी है, उनके सर पर ईंट मारा गया, लाठी से उनका हाथ तोड़ा गया। तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ है? हादसे से पहले फोन किया गया था, पुलिस को 3 दिन पहले गाँव वाले गए थे कि ऐसा हो जाएगा, हादसे के दौरान बुलाया गया था, कोई मदद नहीं हुई। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं पीड़ितों से मिलने गई, मैंने कहा भी अगर 144 है मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगी, उससे ज्यादा मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है, कि वो अकेले नहीं है इस दर्द में, चाहे वो कोई भी हो। जब मैं मिर्जापुर पहुंची तो मुझे रोका गया कि आप मिर्जापुर नहीं जा सकते, मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती, कुछ ऑर्डर दिखाइए, कोई धारा हो, कुछ होगा, मिर्जापुर में उस समय कोई धारा नहीं, फिर सोनभद्र में 144 थी, उसको भी मैं कह रही थी कि मैं उसका उल्लंघन नहीं करूंगी, शांतिपूर्वक जाऊंगी 3 लोगों को लेकर, तो कौन सी बड़ी आपत्ति आ गई। तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फोन आया, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, कि आपने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए, मैं यहाँ इंतजार करूँगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूंगी तब तक मैं लिखित में तो कुछ होगा, लिखित ऐसे ही थोड़ी रोक सकते हैं, आप कुछ लिखित में दिखाइए, फिर कैसे रोक रहे हैं, ऐसे थोड़ी रोक, जबरदस्ती है, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती है फिर जो आदेश है नहीं नहीं जबरदस्ती यानी कानून व्यवस्था आप बिगाड़ रहे हैं, आप कानून के पालक है ना, तो जबरदस्ती अगर आपको कोई इस तरह का रास्ते कोई फोन करके कह दे इनको रोक दो, इसका क्या मतलब है, हमारे सीनियर कोई वजह होनी चाहिए ना, क्या वजह, किस लिए रोक रहे हैं, कोई वजह होगी तो वजह क्या है, किस लिए रोक, अब उनको लग रहा है कि हम जाने से थोड़ा सा वो होगा, लेकिन यहाँ तो कारण ऐसी है ना, ये तो सुन रहे मिर्जापुर का कानूनी कार्रवाई है भैया, कानून कुछ लिखित में तो दीजिए, लिखित में दीजिए, मैंने कहा कि मैं सिर्फ 4 लोगों को ले जाकर पीड़ितों से मिलना चाहता हूँ, जिनके परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, जिनकी जमीन हटी गई, उनसे मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं कह रही, फिर भी उन्होंने रोका है तो मैं कह रही हूँ ठीक है मैं यहाँ बैठी हूँ, जरा मुझे बताइए कि कौन से ऑर्डर है आपके पास, कह रहे हैं कि फोन पे किसी ने ऊपर से ऑर्डर दिया, मैंने कहा लिखित में दिखाइए कौन सा कानून है, किस आधार पर मैं नहीं जा सकती, बस यही पूछ, तो आप तो अगर बीएचयू गई थी ट्रामा सेंटर, वहाँ आप मिली लोगों से, तो वहाँ क्या बातें हुई आप लोगों की, कुछ उन्होंने अपने दर्द बताए आपको जरूर वहाँ, देखिए वहाँ वहाँ पीड़ित हैं जिनको गोली लगी है, 17 साल का बच्चा है, मेरे बच्चे की उम्र का बच्चा है, उसकी माँ को भी गोली लगी है, उसके चचेरे भाई को भी, पूरा परिवार वहाँ है, और इन्होंने मतलब क्या किया है, अपने अधिकार के लिए लड़ाई की है, बस अपनी जमीन पुश्तों से ये जोत रहे हैं उसको हड़पा जा रहा है,
आप यहाँ कब तक बैठी रहेंगे? कौन सा कानून है किस मीनका गांधी बैठी हुई है अभी भी वो धरने से? मैडम एक बात और, क्योंकि जो पीड़ित थे जिनके साथ ये घटना हुई है, जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने तहसील दिवस पर भी प्रार्थना पत्र दिया था और उससे पहले भी लगातार कह रहे थे घटना के पहले पहले भी सूचना दी थी। घटना के होते हुए भी कहा, जब घटना हो रही थी उसके दौरान भी उन्होंने कोशिश की लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस हादसे में 10 लोगों की हत्या की गई है, उसमें 3 महिलाएं हैं, 6 लोग अस्पताल में, 17 साल का बच्चा है, उस बच्चे की माँ भी अस्पताल में, उसको भी गोली लगी है। मैम अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये कांग्रेस की गलती है, 1950-55 के बाद वो ऐसा कानून नहीं लाई कि जो SC ST से जुड़े हुए लोग हैं, जो आदिवासी हैं, उनको जमीन का उनका हक मिल सके। यहाँ पर पहुँचते ही अपने ही प्रशासन, अपने ही शासन इस तरह की हत्याएं हो रही हैं और आप 1955 में कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। मुख्यमंत्री तो आप हैं ना? जी, मुख्यमंत्री आप हैं। ढाई साल से ऐसे हादसे को रोकना किसका कार्य है? जी, 3 साल से आपका है। जी मैम, संभल में भी 2 सिपाहियों की हत्या कर कैदी छुड़ा दिया। पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बन रही है, रोज रोज हत्याएं हो रही है, रोज रोज महिलाओं पे कुछ ना कुछ अत्याचार हो रहा है और कोई मतलब एकदम इस तरह लगता है कि कोई प्रशासन ही नहीं।